Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. All right everyone, अपनी positions पर डटे रहना होगा, सब कुछ दाव पर लगा हुआ है. ये लगता है कि उनके ये बेकार बैरियर हमें रोक लेंगे. ओह नो! ऐसा करके तुम हमें हरा नहीं सकती, इविल विचेस. ये क्या है? ये हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे. हाय, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं हो सकता ये. तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? आईसी, तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा. क्या लगता है तुम्हें? तुम शायद भूल रही हो कि तुम अकेली नहीं हो जिसके पास ड्रैगन की पावर है. मगर ब्लूम अकेली नहीं है इस बार. तुम हमेशा ही मुझे बहुत परेशान करती हो ब्लूम. तुम और ब्लूम आखिर कहाँ रह गए थे? Well, हमने स्पेस स्पाइडर डार्क फॉरेस्ट में पार्क किया और और वॉक पर चले गए. तो तुम लोग वहाँ से निकले कैसे? Well, वो सब तो छोड़ो, तुम जानते हो कि मैजिक्स पूरा भूत बंगला बन चुका है रिवेन. मगर इस बार ट्रिक्स कामयाब नहीं होंगी. कुछ नहीं कर पाओगी मेरा. लॉर्ड क्रिस्टा, इसमें थोड़ा म्यूजिक भी ऐड करते हैं. सब बहुत हो गया. इन क्रिएचर्स की स्ट्रेंथ ट्रिक्स की पावर से जुड़ी हुई है. जैसे ही ट्रिक्स की पावर कम होती है वैसे ही इनकी आर्मी भी. अब ब्लूम और आईसी कहाँ है? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी. इन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं सबक सिखाती हूँ. लग रहा है अब तुम्हें लिटिल फेरी? मर्टा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सबके पीछे ब्लूम है. मुझे तो लगा था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी. आ,
मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को फॉरेन क्लाउड टावर जाना होगा मिस फेरागोंडा। बहुत कुछ करना है, चीजों को रूटीन पर आने में कुछ वक्त लगेगा। और ट्रिक्स का क्या? ट्रिक्स इस ड्रोने खाब से जल जाग जाएंगी। पावर के लालच ने उन्हें दबाव बर्बाद कर दिया है। ड्रैगन की पावर सिर्फ ब्लूम की है और वो ही उसे कंट्रोल कर सकती है। उससे पावर छीनने की कोशिश उनकी बेवकूफी है। मेरा आपसे प्रॉमिस है, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्हें प्यूरिफिकेशन के लिए लेक रॉकलूचे भेजा जाएगा। अच्छी खबर आई है मैजिक से, लाइफ नॉर्मल हो रही है। जबरदस्त, बोल दो नट। उनसे पूछे बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा लेकिन नट आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या बात है नट, बोल सकते हो तुम? वो मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ ज्यादा अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अगर मैं यहीं रह जाऊँ तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मुझे एक कमरा यहाँ मिल जाए तो क्या ही बात होगी। जहाँ तक मैं समझा हूँ, नट को इजाजत चाहिए अल्फिया में रहने की। आप क्या कहती हैं ग्रिफिन, अगर क्लाउड टावर के बजाय नट यहाँ रुक जाए तो आपको कोई मसला तो नहीं? मुझे कोई मसला नहीं मिस फेरागोंडा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा। कैसा चल रहा है नट? पार्टी शुरू होने वाली है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बाद में मुलाकात होती है। और तुम दोनों भी रेडी हो ना? तो पक्का तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रुकना चाहती? हाँ, मैंने जाने का फैसला कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फ्लोरा जैसी दोस्त मिली। ये तो बिल्कुल सही कहा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। हाँ, और मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगी? चीयर अप गर्ल, तुम लोग घर वापस जा रही हो। गुड बाय लूसी, तुम्हें मिस करूंगी। डोंट वरी मर्टा, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। जानती हूँ, बस कुछ वक्त लगेगा। शायद गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। हमने एक अच्छी जंग लड़ी फेरागोंडा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारा स्कूल अपने मिशन पर फोकस करे। आहा, चलो गर्ल्स हरी अप, क्लाउड टावर जाने का वक्त आ चुका है। और रही बात आईसी डार्सी और स्टॉर्म, तो वो लेक रॉकलूचे जा रही है प्यूरिफिकेशन। छोड़ो मुझे। May I have your attention, please? हम यहाँ जमा हुए हैं अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। एल्फिया में हमेशा से फेरिस ने तरबियत हासिल की है, लेकिन जो करेज, लॉयल्टी और दिलचस्प स्पिरिट आप में दिखाई दिया, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से हमें आप पर फख्र है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में आज के बाद फेरिस को नया नाम दिया जाता है विंग्स। हाँ क्यों नहीं, जरूर। एक टोस्ट ब्रैंडन और स्टेला के लिए। क्यों, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? हाँ, मगर टोस्ट किस लिए? क्या मतलब है तुम्हारा टोस्ट? इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रियल फ्रेंड्स नहीं हो, और ये भी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ऐसी एक और सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे, है ना टेक्ना? हे मैम, तुम ठीक हो ना? मुझे खुश होना चाहिए ना? वेल, तो नहीं हो क्या? मैं अपने पेरेंट्स और अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के बहुत उलझ चुकी हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। देखो, जो भी तुम करना चाह रही हो, ये बात याद रखना कि तुम अकेली नहीं। हाँ।